आगे बढ़ते हैं, जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुरलीपुरा इलाके में युवती को गोली मारने का मामला, घायल अवस्था में युवती को लाया गया एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर। फायरिंग में अंजलि वर्मा की पीठ में गोली लगी है। पीठ में गोली लगने से युवती घायल हो गई। वारदात स्थल के पास के सीसीटीवी में संदिग्ध दिखाई दे रहा है। जुलाई में अंजलि का हुआ था लतीफ से विवाह, दोनों ने की थी लव मैरिज, दोनों की शादी से नाराज से परिजन। घटना के बाद अब की जा रही बदमाशों की तलाश। स्कूटी के नंबर के आधार पर शहर में नाकाबंदी करवाई गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए घटना घटने के बाद किस तरीके से पुलिस मौके पर पहुंची और चाक चौबंद नजर आ रही है। लेकिन जो संदिग्ध स्कूटी पर सवार होकर आया और जिसने फायरिंग की, क्या वो अंजलि के परिवार में से कोई? ये सवाल इसलिए क्योंकि अंजलि ने लतीफ नाम के शख्स से जुलाई में शादी की थी, दोनों ने लव मैरिज की और इससे परिजन नाराज थे। घटना के बाद अब बदमाशों की तलाश की जा रही है। स्कूटी के नंबर के आधार पर भी शहर में नाकाबंदी करवाई गई है। मेरे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर स्कूटी का नंबर पुलिस के पास, तो बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कम से कम कि स्कूटी किसके नंबर किसके नाम से है, पता क्या है, तो मानकर चले अगले कुछ घंटे में खुलासा होगा। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक बदमाशों को ट्रेस करने की बात आती है तो एसीपी चोरपड़ा प्रमोद सामी ने बदमाशों को ट्रेस भी कर लिया है, उनके नाम पुलिस के पास आ चुके हैं और जो बयान है, जो पीड़िता है उसका बयान पुलिस के पास आ चुका है। बताया जा रहा है कि उसने किसी रियाज नाम के व्यक्ति का नाम लिया है जो कि उसका जेठ लगता है, यानी कि पति पत्नी प्यार से रहते हैं, इसमें कोई लव जेठ का एंगल नहीं है। खुद एसीपी हमारे साथ है। सर, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे, क्या कुछ घटना का हुआ, फिलहाल क्या जानकारी है? 2021 में अंजलि ने लतीफ के साथ शादी करी थी, प्रेम विवाह था, दोनों की मर्जी से हुआ था और आराम से अपने जो मियां बीवी है जो मुरलीपुरा इलाके में रहते थे। आज सुबह जो जहां ये काम करती है लक्ष्मी नगर में, लक्ष्मी आयुर्वेदा है जहां आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती है, वहां आई थी। पीछे से दो स्कूटी पर सवार लड़के आए जिन्होंने इसकी एक गोली पीठ पर मारी और वहाँ से भग गए। और लड़की का यह कहना है कि मैं मेरे घरवाले के साथ आराम से प्रेम से रहती हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई लव जिहाद का मामला नहीं है। हमने है जो घटना में जो अपराधी है उनको लगभग उनको ट्रेस आउट कर लिया है, हमारी टीमें उनके पीछे लगी हुई है, जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। सर, बयान भी आ गया लड़की की, लड़की ने किसी व्यक्ति का नाम भी लिया है। लड़की ने अपने पति के बड़े भाई है उसके दोस्तों पर शक जाहिर किया है। घटना हुई थी लेकिन जयपुर पुलिस ने तत्परता दिखाई, ट्रेस कर लिया बदमाशों को और माना जा रहा है कि जो बदमाश हैं वो जल्दी पुलिस गिरफ्त में होंगे। लेकिन जो पीड़िता है उसका पति उसके साथ में ही है, दोनों ने पुलिस को बयान दिया कि हमें जो हमारा बड़ा भाई है यानी कि लतीफ का बड़ा भाई, उसके ऊपर शक है और उसके साथ पूछिए, क्योंकि इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं होगा कि जिससे फायर किया गया वो एक अवैध हथियार है, तो क्या कोई एक ऐसा अभियान चलाने की पुलिस कोशिश करिए कि जयपुर के अंदर जो अवैध हथियार हैं उनको ट्रेस किया जाए या उनके खिलाफ एक कार्रवाई की जाए, क्योंकि बहुत तेजी से अवैध हथियार बढ़े हैं बीते कुछ सालों में। सर, एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे कि जिस हथियार से फायर किया गया है वो अवैध हथियार है, ये तो मानते हैं, लेकिन जयपुर पुलिस कुछ ऐसा करेगी, ऐसा अभियान चलाएगी जिससे कि अवैध हथियार को रोक सके, रुकाई कर सके? लगातार ऐसा अभियान चल रहा है अवैध हथियारों की पकड़ का, धरपकड़ का, पुलिस मुख्यालय से भी चल रहा है और कमिश्नरेट स्तर से भी चल रहा है, लगातार पकड़ भी रहे हैं, आगे भी जारी रहेगा। तो लगातार अभियान चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं बदमाश हथियार लाते हैं, पुलिस इसका साफ करना है कि बड़ा शहर महानगर है जयपुर, अपराध तो होंगे लेकिन हमारा जो मुहिम है वो अपराधी को पकड़ने के लिए है और साथ साथ अवैध हथियार की तस्करी रोकने के लिए है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके अंदर वास्तव में पुलिस का जो काम है काफ़ी सराहनीय रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से घटना उसके 3 मिनट के भीतर भीतर पुलिस यहाँ पहुँच गई, आरोपी को ट्रेस कर लिया, पीड़िता का बयान ले लिया, उसको भर्ती करा दिया, लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है बदमाशों की गिरफ्तारी का, उसका उम्मीद जताई जा रही है कि बदमाश जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। विजेंद्र सदरान, एक और सवाल कीजिए, क्योंकि ये लव मैरिज का मामला है, लव जिहाद का मामला नहीं है। अपने पति लतीफ के साथ अंजलि रहती है तो क्या वो अपने ससुराल पक्ष के साथ ही रहती है या उनसे अलग होकर कहीं रह रही है? तो
डायरेक्ट क्वेश्चन जानना चाहते हैं हमसे कि अंजलि ने विवाह किया लतीफ के साथ, तो वर्तमान में क्या अपने ससुराल पक्ष में रह रही है या फिर वो अलग रह रही है? नहीं, अलग से, दोनों में अभी भी मुरलीपुरा में अलग से मकान किराए पर लेकर रहे, दोनों बालिग हैं और अंजलि के घरवाड़ों को भी कोई एतराज़ नहीं, वही मुरलीपुरा में ऐसा सामने आया कि उनके घर अंजलि के घरवाड़ों को कोई एतराज़ नहीं था, और ये आगे जांच का विषय है कि ये सहमत थे कि नहीं थे, लेकिन अब तक ये पता लगा है ये सहमति से हुआ था अंजलि के घरवाड़ों से। तो वीरेंद्र, दोनों अपने परिवार से अलग रहते हैं, जहाँ तक अंजलि के परिवार की बात आती है तो अंजलि का परिवार इस विवाह से खुश था, लेकिन लतीफ का परिवार इस विवाह से खुश नहीं था, और शायद इसलिए क्या जानकारी लग पाई कि लतीफ का परिवार क्या करता है, जिस जेठ के ऊपर आरोप है या जिसके दोस्तों के ऊपर आरोप है वो क्या करते हैं? देखिए, अभी तक इस बारे में कुछ जानकारी मिल नहीं पाई, क्योंकि जो पीड़िता है उसने काफ़ी कम शब्दों में अपना बयान दिया है, रियाज नाम बताया अपने जेठ का, और साथ साथ अपने जेठ के दोस्तों पर आरोप संभावना जताई कि हाँ उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हो, क्योंकि उसके पेट में गोली लगी है वो देख नहीं पाई, लेकिन जो पहले घटना उसके साथ चाहे तो धमकी मिल चुकी होगी इस प्रकार की, जिस प्रकार से उसने बयान दिए हैं, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि रियाज नाम के उस व्यक्ति को तलाश की जा रही है, और साथ साथ जो स्कूटी नंबर पुलिस के पास आया है उसके हिसाब से पूरे जयपुर शहर के अंदर कड़ी नाकाबंदी करवाई गई है, जिससे कि जो बदमाश है उनकी गिरफ्तारी की जा सके, लेकिन माना जा रहा है कि आज शाम से पहले पहले पुलिस आरोपी तक पहुँच जाएगी। विजेंद्र सत्यनारायण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वाकई में पुलिस ने काबिले तारीफ काम किया, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी, ना सिर्फ हर एंगल को सबके सामने रखा बल्कि संदिग्ध को डिटेन करने की कोशिश कर रही, और ट्रेस उसको कर दिया गया। एक